नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद घायल हुए मनोज सिंह का इलाज राजधानी के पारस अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उन्हें उचित इलाज के लिए दिल्ली जाने की सलाह दी गई है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज घायल मनोज सिंह से मुलाकात की और उनको इलाज के लिए 1,00,000 रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराई। साथ ही इलाज के लिए दिल्ली जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था का भी इंतजाम किया। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नरसंहार की जमकर आलोचना की और कहा कि इतनी बड़ी घटना में सरकार की जिम्मेदारी थी इनको बचाने की, और वहीं पर यहां तो सरकार और विपक्ष अपने ही विवादों में मस्त है, उन्हें अपनी राजनीति से फुर्सत ही नहीं। मैं आग्रह करता हूँ स्वास्थ्य मंत्री से कि इसकी पूरी इलाज का वे खर्चा उठाएं। भैया जितनी मदद होगी यहाँ से लेके एम्स तक पूरी मदद सर। फिलहाल ये एम्बुलेंस में 2,00,000 रुपया की मदद हम लोग, अभी हमने प्रेमचंद जी को कहा 1,00,000 अभी मदद की है, वहाँ 1,00,000 मदद दी। पीड़ित यही है अभी जिनको जिनका इलाज चल रहा है में है। अच्छा। और 15,00,000 रुपये लग गए पारस में जी, 12,00,000 रुपये लूट का हत्या बना हुआ है भाई। इतनी बड़ी घटना में सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी इसको बचाने की, सरकार और विपक्ष मस्त है राजनीति करने में। हम आग्रह करेंगे स्वास्थ्य मंत्री से जी, इसकी पूरी इलाज की खर्चा वो उठाए, ये मेरा आग्रह है उनसे, यदि संवेदना है।